हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आजकल क्या होता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पिज्जा बहुत पसंद होता है। और कभी कभी बच्चे बहुत जिद कर बैठते हैं कि हमको पिज्जा खाना है, तो हम घर पे ही बनाकर हमको उनको देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि सबके पास तो ओवन होता नहीं है, तो कभी कभी हम कढ़ाई में बना सकते हैं। तो आज हम कढ़ाई में पिज्जा बनाएंगे। इस तरह से हम पिज्जा बनाएंगे कि बिल्कुल मार्केट के जैसा ही पिज्जा बनेगा और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से हम पिज्जा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर बनाते हैं पिज्जा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बाउल ले लेते हैं बड़ा और उसके अंदर हम ये एक कप मैदा डालेंगे और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हम ये बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे में फर्क होता है, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को डालना जरूरी है। उसके बाद आधा चम्मच हम चीनी डाल देंगे और उसके बाद एक चम्मच हम भर के ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ऑयल अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाना चाहिए, ऑयल से बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। आज हम इसको दही से गूंथेंगे, ना दूध डालेंगे ना पानी, आज हम दही से इसको गूंथेंगे। तो हमने इसे 3 बड़े चम्मच भर के दही डाल दिया है। दही आप देख लीजिए, अगर खट्टा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताज़ा दही हो तो सही रहेगा, और खट्टा दही हो थोड़ा कम डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको ऐसे डो तैयार करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा डो भी नहीं गूंथा है और अभी टाइट है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि हमको सूखा लग रहा है अभी, क्योंकि हमको इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जैसे ही दही डालने से ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो गया है अच्छे से। तो इस देखिए आप अच्छे फूलने लगा है, तो ये जो मैदा है अच्छे से फूल रहा है, थोड़े झाग झाग से हो गए बन गए। आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे होंगे लेकिन मुझे दिख रहे हैं, ये एकदम फ्लैफी सा हो गया है। और इसको हम थोड़ा सा पटक के इस तरह से पटक पटक के गूंथेंगे। अभी थोड़ा गीला है, हाथ में चिपक रहा है, ऐसे आप हलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे तो सही हो जाएगा। अभी अगर आपको लगे ज्यादा गीला हो गया आपका, तो आप 1 चम्मच मैदा मिला सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हलाने से मिक्स हो गया अच्छे से, अभी इतना नहीं चिपक रहा हाथ में, और शुरू में थोड़े झाग बन रहे थे इसलिए चिपक रहा था। तो इतना गीला हमको ये बनाना है, रोटी जो बनाते हैं उससे भी गीला है हमारा ये डो बिल्कुल। तो इसको हम 2 मिनट रख देते हैं इसे, और हमको कढ़ाई में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे। तो हम गैस पे कढ़ाई रख देते हैं हाई फ्लेम पर, और इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, नमक को अच्छे से फैला देंगे कि चारों तरफ से, जिससे कि प्लेट के अंदर हीट लगे। अब आपके पास कोई रिंग हो तो वो इसके अंदर रख लीजिए, कोई स्टैंड वगैरह हो तो वो रख सकते हैं। मेरे पास ऐसा स्टैंड है, आप चाहे तो ऐसा हो तो ऐसा रख लीजिए, और ये ना हो तो गोल रिंग है मेरे पास इस तरह का, तो वो भी रख लीजिए। अगर ये भी ना हो तो आप कोई कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं, कटोरी पे प्लेट रहनी चाहिए क्योंकि वो नमक से ऊपर रहनी चाहिए। तो इस तरह हम ढक के इसको फ्रीट करते हैं जब तक ये अच्छे से गर्म होनी चाहिए। ये गर्म हो रही है जब तक हम डो को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको चिकना कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हमको पिज्जा बनाना है, और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से फैला देंगे कि जिससे कि पिज्जा चिपकेगा नहीं। हम चॉपिंग बोर्ड पे बेल रहे हैं इसको, तो हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क रहे हैं इसके ऊपर,
अगर आपका सूखा मैदा नहीं से हो तो आप इसके अंदर जो मक्की का आटा होता है ना वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और एक लोई ले लेंगे, एक थोड़ी बड़ी लोई बनी, एक थोड़ी छोटी बनाई हमने, उसको हाथ से दबाते हुए फैला लेंगे। आप चाहे अच्छे से फैला लें, हाथ से नहीं फैले आपसे तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर सूखा मैदा डाल के और इस बेलन की सहायता से इस तरह से बेल सकते हैं। उतना ही बेलेंगे जितना कि हमको प्लेट पर पिज्जा बनाना है, उसी साइज का हमको इसको बढ़ाना है, जितनी बड़ी आपकी प्लेट हो। ये देखिए इतना मोटा रखा हमने इसको। अब क्या करेंगे, आपके पास फोर्क सबके पास होता ही है तो फोर्क की सहायता से और इसके अंदर छेद कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर एयर पास हो जाए, ये फूले नहीं, नहीं तो ये जो होता है ना उसकी तरह पूरी की तरह या होते हैं ना छोले भटूरे के भटूरे उसकी तरह फूल जाता है, तो फूलाना नहीं, हमने इसको छेद कर देना है इस तरह। उसके बाद पिज्जा सॉस लगाएंगे, हमने पहले लगा दिया, हमको पहले इसको प्लेट में रखना था, बाद में उठाने में दिक्कत आती है तो पहले इसको प्लेट में रख देते, तो प्लेट पे फैला देंगे अच्छे से, प्लेट के बराबर इसको अच्छे से कर देंगे। अब इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे, ये हमने अच्छे से इसको लगा दिया, किनारी को हमको खाली छोड़ना है, थोड़ी थोड़ी किनारी पर नहीं लगाना है। और उसके बाद थोड़ा सा हमने चीज डाला है, मजरोला चीज है ये, आप चाहे तो ज्यादा, अगर आपको पसंद हो चीज आप ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और उसके बाद हम ये शिमला मिर्च लिए लाल वाली, ये काट लिए चौरस पीस में हमने, ये इस पे लगा देंगे, फिर हरी शिमला मिर्च लगा देंगे, और हमने प्याज काट लिए, प्याज को भी चौरस हमने काटा है वो भी लगा देंगे। प्याज आंखों के बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको जरूर खाएं। और उसमें स्वीट कॉर्न लगा दिए हैं, आपके पास ऑलिव हो तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने मजरोला चीज डाल दिया है और चिली फ्लेक्स डाला है, ऑरिगेनो डाल दिया है, और ये जो किनारी चारों तरफ थी उसे बटर लगा दिया है। चारों किनारी बटर लगाने के बाद हमने पिज्जा को रेडी कर लिया है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं और कढ़ाई को खोल के देखते हैं, ये अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, तो इसको हम प्लेट को सावधानी से इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि ये गर्म है, तो इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए पकने देते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे अब और इसको बीच में एक बार हम चेक कर लेंगे 10 मिनट बाद, नहीं तो क्या होता है कभी कभी गैस के ऊपर डिपेंड करता है, कभी जल भी सकता है, तो 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। तो हम 10 मिनट बाद इसको किसी स्पून वगैरह की या चाकू की सहायता से थोड़ा नीचे से किनारे को ऊपर करके देख लेंगे कि वहां से अच्छे से ब्राउन हुआ है नहीं, अगर नहीं हुआ है तो उसको 10 मिनट अभी और रहने देंगे। अब इसको फिर से 10 मिनट के लिए फिर हमने ढक के रख दिया है, 10 मिनट बाद फिर खोल के चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल 20 मिनट हो गए हैं और अब बिल्कुल 20 मिनट में हमारा पिज्जा बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, अच्छे से हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको हम निकालेंगे, सावधानी से हम इसको निकालेंगे क्योंकि प्लेट भी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है। तो लीजिए बिल्कुल पिज्जा रेडी है, अब इसको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के जैसा, कोई कह सकता है हमने कढ़ाई में बनाया है? आप इस तरह से कढ़ाई में पिज्जा बनाइए और बच्चों को बड़ों को सभी को खिलाइए। ये मैं इसको कट कर देती हूँ, अच्छे से चीज भी मेल्ट हो चुका है, मैंने इसके अंदर थोड़ा चीज कम डाला है तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा कम है, नहीं तो आप चाहे तो ज्यादा डालेंगे तो अच्छे से रेसे बन जाएंगे। इसमें थोड़ा कम बने हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम डाला था। ये देखिए बिल्कुल बिना ओवन के भी इस तरह से हम कढ़ाई में पिज्जा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो दूसरा छोटा लोई बचा था उसका मैंने इस तरह से ये छोटा पिज्जा बना दिया है, ये बिना प्याज का बनाया मैंने। अगर आप अपनी सब्जियां अपनी पसंद से जो डालना चाहे डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बिना प्याज का बनाया एक छोटा,
मैं इसको भी आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।